नमस्कार, मैं प्रिया, धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। नुपुर शर्मा को लेकर न सिर्फ भारत ही बल्कि पूरी दुनिया में जमकर हल्ला हो रहा है। कोई समर्थन में है तो इनके विरोध में भी आवाज उठाई गई है। खासकर इस्लामिक देशों में तो आग ही लग गई है। ये भारत को ही पाठ पढ़ाना चाह रहे हैं, चाहे पाकिस्तान रहो या कुवैत रहो या फिर दुबई। हर इस्लामिक देश ने नुपुर शर्मा पर अपनी जमकर भड़ास निकाली है। हालांकि कई मुल्कों में नुपुर शर्मा को समर्थन भी मिला है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के लिए 20% उम्मीदवार महिलाएं होंगी। इन महिलाओं से ही अग्निवीरों के पहले बैच का गठन होगा। उन्होंने भारतीय नौसेना के विभिन्न हिस्सों और शाखाओं में भेजा जाने का काम होगा। नौसेना के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। बता दें कि अग्निपथ योजना की घोषणा पिछले महीने जून में की गई थी। चीनी कंपनी से जुड़े एक मामले में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और कुछ दक्षिणी राज्यों में प्रवर्तन निदेशालय की टीम छापेमारी कर रही है। ईडी की यह कार्रवाई उस मामले के तहत की जा रही है जिसकी जांच सीबीआई पहले से कर रही है। आरोप है कि भारत में स्थित चीनी कंपनियां मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त हैं। चीनी फर्म के खिलाफ ये पहली बार नहीं है जब ईडी छापेमारी कर रही है। देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। रोजाना तौर पर मामले 10,000 से अधिक दर्ज हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 13,084 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 24 लोगों की जान गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की कुल संख्या बढ़कर 1,13,866 पर पहुंच गई है। वहीं पॉजिटिविटी रेट घटकर 2.90 पर आ गई है। कांग्रेस ने इस साल के अंत में सामूहिक नेतृत्व में गुजरात विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पार्टी के एक नेता ने चुनाव के लिए पार्टी के टास्क फोर्स की बैठक के दौरान ये प्लान किया। गुजरात कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा ने सोमवार को एएनआई को बताया कि हम चुनाव में सामूहिक नेतृत्व के साथ जाएंगे और नतीजों के बाद आलाकमान मुख्यमंत्री का फैसला करेगा। दिल्ली से दुबई जा रही स्पाइस जेट की एक फ्लाइट में मंगलवार को अचानक खराबी आ गई, जिसके बाद पाकिस्तान की कराची में उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। ऐसी जानकारी सामने आई है कि विमान में तकनीकी खराबी आ गई थी। उसमें सवार सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव केंद्र में नई सरकार चुनने के लिए नहीं बल्कि भाजपा को खारिज करने का चुनाव होगा। यहां एक सम्मेलन में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने बुलडोजर राजनीति की हालिया प्रवृत्ति का उल्लेख किया और कहा कि भारत के लोग भाजपा को सत्ता से बाहर कर उसी सिक्के में वापस भुगतान करेंगे। भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहकों को अब बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए नजदीकी शाखाओं में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि बैंक फोन पर कई तरीके की महत्वपूर्ण सेवाएं दे रहा है। हाल ही में SBI ने 2 नए टोल फ्री नंबर जारी किए हैं जिन पर कॉल करके उसके ग्राहक अपने फोन पर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। यहां तक कि बैंक की छुट्टियों के साथ साथ दूसरे शनिवार और रविवार को भी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने 26 साल पहले अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना की थी। जनता दल से अलग होते ही लालू ने जब राजद की बुनियाद डाली तो उस वक्त उनके सामने बड़ी राजनीतिक चुनौती थी। आज इसी के तहत स्थापना दिवस राजद का मनाया गया। हालांकि राजद सुप्रीमो की तबीयत खराब है, इसी को ध्यान में रखते हुए आज शांतिपूर्ण तरीके से स्थापना दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक दिवस पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्विटर पर अपने पिता की भावुक करने वाली तस्वीर शेयर की है। इस फोटो में लालू प्रसाद यादव अस्पताल के बेड पर लेटे हुए हैं। अस्पताल में भर्ती लालू यादव काफी कमजोर और बीमार लग रहे हैं। रोहिणी आचार्य ने अपने ट्वीट में लिखा कि मेरे पापा मेरे हीरो है, साथ ही उन्हें जल्द ठीक होने की कामना की है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मंगलवार को कर्नाटक के कांग्रेसी विधायक BZ जमीर अहमद खान के कई ठिकानों पर छापेमारी की। आय से अधिक संपत्ति मामले में विधायक जमीर अहमद खान के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की रिपोर्ट में आधार पर ही छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि ACB ने कर्नाटक में कांग्रेस विधायक अहमद के करीब 5 ठिकानों पर छापेमारी की है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर को लेकर विवाद के बीच में TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ईस्ट 2022 के दूसरे दिन महुआ मोइत्रा ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर का बचाव करते हुए कहा कि काली के कई रूप है। इन दिनों महाराष्ट्र में चल रही राजनीतिक उथल पुथल के बीच राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का रवैया बिल्कुल ठंडा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सोमवार को विश्वास मत के दौरान देश के सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस के 10 विधायक सदन में गैर हाजिर होने के चलते अब चर्चा का मुद्दा बन गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अगले एक साल के अंदर इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत पेट्रोल कारों की लागत के बराबर होगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि प्रौद्योगिकी और हरित ईंधन में तेजी से प्रगति से इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल के लागत में कमी आने की उम्मीद है।
अगर आप भी होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाने के शौकीन हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल अब होटल या रेस्टोरेंट आपके खाने के बिल के साथ सर्विस चार्ज नहीं वसूल पाएंगे। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने रेस्टोरेंट में खाने के बिल में जोड़े जाने वाले सर्विस चार्ज पर सख्ती से रोक लगा दी है। साथ ही CCPA ने यह भी आदेश जारी किया है कि यदि कोई होटल या फिर रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज वसूली करता है तो इसकी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। बंगाल इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद याहिया ने कहा है कि आप जानते हैं कि आने वाले 10 जुलाई को ईद उल जुहा का त्यौहार मनाया जाएगा। मैं मुस्लिम समुदाय में इस मामले में सतर्क रहने का अनुरोध करता हूं। मोदी सरकार प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों के जरिए गांवों की इकोनॉमी को मजबूत करने की कोशिश में जुट गई है, जिसके तहत न सिर्फ 65,000 पैक्सों को कंप्यूटराइज्ड करके उनके कामकाज में पारदर्शिता लाई जाएगी बल्कि 25 प्रकार की गतिविधियों को इनसे जोड़ा जाएगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। चीन में कोरोना वायरस संक्रमण से एक बार फिर से हालात बिगड़ रहे हैं। चीन अधिकारियों ने देश के सेंट्रल अनहुई प्रांत में कोरोना वायरस संक्रमण के 300 मामलों की पुष्टि होने के बाद 17 लाख लोगों को लॉकडाउन में डाल दिया है। चीन कोरोना संक्रमण को लेकर शुरू से ही जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहा है। अनहुई प्रांत में पिछले सप्ताह अधिकारियों ने संक्रमण के 100 मामले की पुष्टि की थी। स्टार्टअप के एक तीव्र गति से तैयार हो रहे इकोसिस्टम को केंद्र में रख बिहार को 4 राज्यों में प्रथम स्थान मिला है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने सोमवार को साल 2021 की रैंकिंग जारी की है। अगर आप रेलवे में ज्यादातर यात्रा करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही काम की साबित हो सकती है। भारतीय रेलवे के सहयोगी कंपनी IRCTC ने टिकटों की बुकिंग नियमों में बदलाव किया है। नए नियम के मुताबिक IRCTC ने ऐप और वेबसाइट के जरिए सबसे पहले आपको अपना अकाउंट वेरीफाई करना होगा, इसके बाद टिकट बुकिंग करनी होगी। भुवनेश्वर से भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने इस पर कहा है कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से आज तक इसे किसी ने विघटन वाली सरकार नहीं कहा है। जब हम अपने समय से आगे सोचते हैं तो विरोध होता है। पिछले 8 सालों में हर सकारात्मक कदम पर प्रतिक्रिया हुई है, वो भी एक कदम बराबर स्तर पर है। 11 बिल भेजे गए हैं कई स्टैंडिंग कमेटी के पास। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 78 बार कमेटी मिली है, इसके बाद बिल बना था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वस्तु एवं सेवा कर को लेकर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने सोमवार को ट्वीट करते हुए लिखा कि स्वास्थ्य बीमा पर GST 18%, अस्पताल के कमरे पर GST 5%, हीरो पर GST 1.5% है। 1 जुलाई से देशभर में प्लास्टिक कैरी बैग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसके बाद सरहदी बाड़मेर जिले के भीमथल स्कूल के बच्चों ने राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम के तहत आमजन में सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग नहीं करने के लिए जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी HDFC लिमिटेड और उसकी बैंकिंग सब्सिडियरी HDFC बैंक के विलय की राह पर अब आसान हो गई है। देश के कॉरपोरेट जगत के इतिहास की इस सबसे बड़ी डील को अब रिजर्व बैंक ने भी ओके कर दिया है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली पार्टिकल कोलाइडर लार्ज हैड्रन कोलाइडर मशीन, जिसे LHC भी कहा जाता है, उसे आज एक बार फिर से स्टार्ट किया गया है। हिंग्स बोसॉन, जिसे गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है, उसकी खोज के 10 साल के बाद एक बार फिर से लार्ज हैड्रन कोलाइडर मशीन को शुरू किया गया है, जिस पर पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों की निगाहें बनी हुई थी। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले विशेषज्ञों के लिए चिंता का कारण बने हुए हैं। हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि शोधकर्ताओं ने एक नया N95 फेस मास्क विकसित किया है, जो न केवल COVID-19 के प्रसार को कम करेगा, साथ ही इसके संपर्क में आने पर यह SARS-CoV-2 वायरस को भी मार सकता है। सबसे खास बात यह है कि इस मास्क को लंबे समय तक पहना जा सकता है, जिससे प्लास्टिक कचरा कम होता है। कोरोना के बढ़ते संकट के इस समय में इस मास्क को बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। रूस की तरफ से यूक्रेन पर किया गया हमला हो या भारत की तरफ से पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए किया गया एयर स्ट्राइक, जंग के मैदान में लड़ाकू विमान खास रोल निभाते हैं। यही कारण है कि सभी देश अपनी वायुसेना को दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों से लैस करना चाहते हैं। एयर इंडिया को फिर से अपना बनाने के लिए अब एक और सरकारी कंपनी टाटा समूह में शामिल हो गई है। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड या फिर TSLP ने 12,100 करोड़ रुपए में नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया। इसका विषय नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा है। डिजिटल इंडिया वीक 2022 के तहत 4 से 6 जुलाई तक गांधीनगर में कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। सऊदी अरब ने इस हफ्ते शुरू हो रही हज यात्रा के लिए पुख्ता सुरक्षा इंतजाम कर दिए हैं। खाड़ी देश ने पहले ही कह दिया था कि बिना परमिट के यात्रा करने वाले यात्रियों को गिरफ्तार कर उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। बावजूद इसके सैकड़ों लोग बिना परमिट हज यात्रा करते पकड़े गए। सऊदी अधिकारियों ने ऐसे लगभग 300 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो बिना परमिट हज यात्रा करने की कोशिश कर रहे थे।
कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है, उनके नाम है रंजीत मिश्रा, रघुनाथ प्रसाद, हेलो टीचिंग ज्ञान, दिलीप राम, नुन्नू कुमार, गुलजार शेख, आलोक कुमार, आर्यवत, रवि कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोरोना वायरस की रोकथाम में केंद्र सरकार की तरफ से किए जा रहे प्रयासों से आप संतुष्ट है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।